तो फाइनली दोस्तों हो जाइए तैयार, क्योंकि बॉलीवुड से आ रही है अब तक की सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बाप, जो आने वाले टाइम में इंडियन सिनेमा का इतिहास बदलने वाली है। और आज इस फिल्म के फिल्म मेकर्स की ओर से इस फिल्म को लेकर कमाल की अपडेट निकल कर आई है, जिसे सुनने के बाद आप इस फिल्म के लिए पहले से भी और ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। तो क्या है खबर, बात करेंगे इस बारे में, और साथ ही बात करेंगे इस फिल्म को प्रोड्यूस कौन कर रहा है, डायरेक्ट कौन कर रहा है, और ये फिल्म आपको कब तक देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी हैं सुपरस्टार सनी देओल, संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ के फैन और कर रहे हैं बाप फिल्म का इंतजार, तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। तो हेलो दोस्तों, माय टॉक्सिक और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं आज इस फिल्म के फिल्म मेकर्स की ओर से बॉलीवुड के सबसे पहले एक्शन सुपरस्टार सनी देओल के साथ साथ संजय दत्त, मिथुन चक्रवर्ती और जैकी श्रॉफ का एक शानदार पोस्टर रिलीज कर दिया गया है, जिसमें सुपरस्टार सनी देओल कैदी के कपड़ों में बड़े बालों के साथ नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके का लुक इस पोस्टर में निकल कर आ रहा है, उससे ये अब तय हो चुका है कि सनी देओल बहुत धमाकेदार अवतार में तहलका मचाने वाले हैं। अपनी मच अवेटेड फिल्म गदर और बाप के साथ, यानी कि बैक टू बैक ये धमाका करने के लिए तैयार हैं अपनी एक्शन पैक फिल्मों से। साथ ही दोस्तों को बता दूं, फिल्म को जी स्टूडियो बना रही है और फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं अहमद खान, और अहमद खान का नाम इस फिल्म से जुड़ने का मतलब है इस फिल्म में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन होने वाला है, क्योंकि अहमद खान को हम पहले भी देख चुके हैं कि वो किस तरीके की हाई ऑक्टेन लेवल की फिल्में बनाते हैं जो सभी को बहुत पसंद आती है। और खबरें ये तक है कि फिल्म की कहानी गैंगस्टर और माफिया के इर्द गिर्द घूमने वाली है, जिसमें संजय दत्त और जैकी श्रॉफ एक विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं और मिथुन चक्रवर्ती एक साउथ इंडियन लॉयर के किरदार में नजर आने वाले हैं। और इस बात का अंदाजा आप इस फोटो को देखकर भी लगा सकते हैं, जिसमें तीनों एक्टर अपने किरदार के कॉस्ट्यूम पहने हुए एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सनी देओल फिल्म में हीरो के किरदार में नजर आने वाले हैं, जो कि संजय दत्त और जैकी श्रॉफ से भिड़ते नजर आएंगे। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की गई है, लेकिन ये बॉलीवुड की बहुत बड़ी एक्शन फिल्म होने वाली है, जिसमें हॉलीवुड लेवल के एक्शन सीन होने वाले हैं। तो साथ ही दोस्तों आपको बताते चलो, अकॉर्डिंग टू रूमर्स ऐसी खबरें भी हैं कि इस फिल्म का टीजर ट्रेलर या फिर फर्स्ट लुक आपको अगले साल फरवरी या फिर मार्च में देखने को मिल सकता है। बात करें फिल्म आपको कब तक देखने को मिल सकती है, तो अकॉर्डिंग टू रूमर्स ऐसा कहा जा रहा है ये फिल्म आपको 2023 के लास्ट में देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में दोस्तों आप कितने एक्साइटेड हैं इस फिल्म के लिए कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और मूवी से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।